हॉर्टिकल्चर एंड एनवायरनमेंट सोसाइटी कोटगढ़ ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को लिखा पत्र की रिज मैदान पर सत्यानंद स्टोक्स की लगाई जाए प्रतिमा। प्रदेश की 5,000 करोड़ रुपए की सेब आर्थिकी की नींव रखने में सत्यानंद स्टोक्स का रहा है बहुत बड़ा योगदान। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में 7 से 11 मार्च तक खेला जाएगा 25वां अंतर्राष्ट्रीय मैच। जीत का चौका लगाने के इरादे से उतरेगी भारतीय क्रिकेट टीम। हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में यात्रियों को कैशलेस किराए का भुगतान करने की मिलेगी सुविधा। यात्री अब निगम की बसों में नगद के अलावा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI और QR कोड स्कैन से किराए का कर सकेंगे भुगतान। हिमाचल प्रदेश को मिले 7 नए HAS ऑफिसर। राज्य लोक सेवा आयोग ने राज्य प्रशासनिक सेवा की संयुक्त परीक्षा 2023 का परिणाम किया घोषित। जिला मंडी के रहने वाले अनमोल ने परीक्षा में किया टॉप। छोटी काशी मंडी में मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव 2024 में इस बार हर दिन अलग अलग थीम पर होगा आधारित। वहीं 9 से 15 मार्च तक मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव में सभी परंपराओं का किया जाएगा निर्वहन। सोलन के कोटलानाला में एक घर के बाहर से जूते और कपड़े चोरी करते हुए कैमरा में कैद हुआ चोर। बढ़ती वारदातों से स्थानीय लोगों में रोष। सोलन शहर के साथ आसपास के क्षेत्रों में लगातार बढ़ रही है चोरी की वारदातें। हिमाचल में आज सामूहिक अवकाश पर 2,900 डॉक्टर। प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों की OPD बंद। अस्पतालों में आए मरीजों को करना पड़ा परेशानियों का सामना। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली माध्यम से प्रसादम योजना के तहत हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना स्थित चिंतपूर्णी मंदिर के विस्तारीकरण का किया शिलान्यास। वहीं इस मौके पर चिंतपूर्णी मंदिर परिसर में जिला प्रशासन सहित अन्य गणमान्य लोग रहे मौजूद। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा किए गए हैं कड़ी सुरक्षा व्यवस्थाओं के इंतजाम। SP मंडी साक्षी वर्मा ने पत्रकारों के माध्यम से दी यह जानकारी। एक भारत श्रेष्ठ भारत युवा संगम के तहत हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय से 50 विद्यार्थियों का दल उड़ीसा के लिए हुआ रवाना। केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति SP बंसल ने साझा की यह जानकारी। वल्लभ राजकीय महाविद्यालय मंडी में मनाया गया जिला स्तरीय महिला दिवस। मंडलायुक्त मंडी राखिल कहलो ने की कार्यक्रम की अध्यक्षता। इस मौके पर महिला सशक्तिकरण को लेकर नवाजी गई महिलाएं। जिला सिरमौर के हरिपुरधार को मिली राज्य सहकारी बैंक की सौगात। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष विनय कुमार ने किया शुभारंभ। राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी पहुंची जिला कांगड़ा के शक्तिपीठ ज्वालामुखी। राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी ने पूजा अर्चना कर लिया माँ का आशीर्वाद। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जिला किन्नौर के मुख्यालय रिकांगपियो में महिलाओं द्वारा महिला जागरूकता रैली का किया गया आयोजन। उपायुक्त किन्नौर डॉ अमित कुमार शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रैली को किया रवाना। संगीत की दुनिया में अपनी पहचान बनाने वाले और दुनिया भर में अपने हुनर का डंका बजाने वाले हिमाचल पुलिस ऑर्केस्ट्रा हार्मनी ऑफ द पाइंस की पूरी टीम बहुत जल्द मशहूर TV शो द कपिल शर्मा शो में आएगी नजर। खेलो इंडिया के पदक विजेता का खिलाड़ी अब होंगे सरकारी नौकरियों के लिए पात्र। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जानकारी देते हुए जाहिर की खुशी। हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने गुरुवार को ओकओवर में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से की मुलाकात। इस दौरान दोनों के बीच महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर गहनता से हुई चर्चा। हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों के लिए तत्काल प्रभाव से 4% महंगाई भत्ता जारी करने की उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने की घोषणा। यह घोषणा मुकेश अग्निहोत्री ने गुरुवार को पुराना बस स्टैंड शिमला पर हिमाचल पथ परिवहन निगम की विभिन्न सेवाओं का शुभारंभ करने के दौरान की। हिमाचल की पात्र महिलाओं को 1,500 रुपए के लिए भरना होगा फॉर्म। प्रदेश सरकार ने फॉर्म किया जारी। इसमें लाभार्थी को अपनी जानकारी के साथ विभिन्न तरह के प्रमाण पत्र, श्रेणी, सरकारी नौकरी, आय सहित अन्य जानकारी देना होगा अनिवार्य। हिमाचल के कई भागों में आज भी मौसम खराब। 409 सड़कें और 639 बिजली ट्रांसफार्मर अभी भी ठप। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 8 और 9 मार्च को पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने के आसार, जबकि 10 मार्च की रात से राज्य में ताजा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव में शामिल होने के लिए बड़ादेव कमरूनाग पहुंचे छोटी काशी मंडी। सर्व देवता समिति सदस्यों सहित मंडी की जनता ने किया देवता जी का भव्य स्वागत। जिला सोलन में कंडाघाट के बीसा से सोलन जा रही बस के बसाल के पास पहुंचने पर टूटे नट। बस के पिछले दोनों टायर खुले। टला एक बड़ा बस हादसा। बस में सवार सभी सवारियां सुरक्षित। नगर निगम सोलन कार्यालय में रोड स्वीपिंग मशीन का किया गया उद्घाटन। नगर निगम शिमला ने दी सोलन नगर निगम को यह मशीन। 1.75 करोड़ रुपए की है यह रोड स्वीपिंग मशीन। राज्य सचिवालय शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित की गई कैबिनेट बैठक। बैठक में लिए गए कई बड़े फैसले, साथ ही कई बजट घोषणाओं को मिली मंजूरी। रामपुर उपमंडल की बोंडा पंचायत के घराट सराहन की नेहा नेगी बनी HAS अधिकारी। नेहा नेगी रामपुर खंड की पहली महिला है जिन्होंने HAS की परीक्षा पास की। शिमला में इस वीकेंड पर भी पर्यटन कारोबार फीका रहने के हैं आसार। शहर के होटलों में एडवांस बुकिंग ना के बराबर। गुरुवार को भी शिमला के रिज मैदान और माल रोड पर सैलानी बहुत कम नजर आए।